नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर महापंचायत में आपका स्वागत। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर यहां चर्चा करने जा रहे हैं, हिंदू धर्म स्थान हो या मुस्लिम धर्म स्थान। कई ऐसे हैं जहां पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, कहीं पर रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कुछ सीमा तक वो प्रवेश कर सकती हैं। क्या ये उचित है? शनि सिग्नापुर का मंदिर जहां प्रवेश को लेकर के महिलाएं आंदोलन चला रही हैं, उस मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया और ये कहा कि महिलाओं को प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता। 1956 का महाराष्ट्र का जो कानून है धर्म स्थानों में जाने का, वो भी यही कहता है। उसके बावजूद आज उन सभी लोगों को वहां मंदिर में जाने से रोक दिया गया। ये रोक कब तक चलेगा? वैसी ही स्थिति मस्जिदों और दरगाहों पर है जहां मुस्लिम स्त्रियां नहीं जा सकती हैं। क्या ये उचित है? क्या ये 21वीं सदी में इस तरह की परंपराएं इसलिए चलनी चाहिए कि वो सदियों पुरानी है, या अब वक्त आ गया है कि इसको खत्म किया जाए? और इसलिए हम इस मुद्दे पर एक राय बनाने की कोशिश करेंगे। और इस महापंचायत में शामिल होने के लिए हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य अजय गौतम। स्वागत है आपका। सभी जानते हैं कि आप बहुत ही वोकल हैं और बड़ा स्पष्ट विचार धार्मिक मामलों पर रखते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आज इस महापंचायत से कोई ना कोई निचोड़ जरूर निकले और ये कहीं ना कहीं से ये बात आए कि बराबरी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। स्वामी मार्तंडपुरी जी एक बौद्धिक संत हैं, विचारों के लिए जाने जाते हैं, तो हम आज देखेंगे कि आप के विचार जो हैं वो कितने कितने दूर तक जाते हैं और बराबरी तक आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। कृष्णा तारा जी, आप धर्म प्रचारक हैं और हम आज समझने की कोशिश करेंगे आपसे खास तौर पर कि धर्म जो है वो गैर बराबरी का इजाज के लिए अनुमति देता है कि नहीं देता है। नसीर अब्दुल्ला साहब, आपका भी स्वागत है। आप के चेहरे से, किरदार से कई तरह से लोग परिचित हैं और आज हम आपके विचारों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि धार्मिक तौर पर जो गैर बराबरी है उसके लिए हम खुद कितने जिम्मेदार हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके हमारे साथ हैं किरण बेदी जी और स्वामी अग्निवेश। मैं विशेष रूप से आप लोगों के विचारों को समझना चाहता हूं कि आखिरकार आजादी के इतने वर्षों के बाद जब हम कहते हैं कि हम 20वीं सदी में 21वीं सदी में आ गए हैं, मंगल पर जा रहे हैं, लेकिन मंदिर में महिला नहीं जा सकती। इस चर्चा की शुरुआत से पहले एक रिपोर्ट। अहमदनगर का शनि सिग्नापुर मंदिर, केरल का सबरीमाला मंदिर और हाजी अली दरगाह, ये तीन ऐसे धर्मस्थल हैं जिनमें महिलाओं के प्रवेश करने और पूजा के अधिकार को लेकर अदालतों में केस चल रहे हैं। शनि सिग्नापुर मंदिर में पूजा की मांग को लेकर काफी वक्त से आंदोलन कर रही महिलाओं को बड़ी कामयाबी मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पूजा की जगह पर कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये महिलाओं का मूलभूत अधिकार है। पूजा स्थल सभी हिंदू वर्ग और समुदायों के लिए खुले हैं। राज्य सरकार महिला अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिया कि वो मंदिरों में प्रवेश को लेकर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होने देगी और इस संबंध में सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश जारी करेगी। वहीं महाराष्ट्र हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक अगर कोई मंदिर या शख्स किसी व्यक्ति को मंदिर में जाने से रोकता है तो उसे 6 महीने की कैद हो सकती है। शनि सिग्नापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के रुख को संघर्ष कर रही महिलाएं अपनी जीत मान रही हैं।
कोर्ट ने आदेश ही दिया है कि पुलिस भी नहीं रोक सकती, और 1956 का जो एक्ट है उसके अनुसार जो है जहाँ पे पुरुष जाते हैं वहाँ पे महिलाएं जा सकती हैं। सरकारों की नींदें खुलेंगी, आंखें खुलेंगी और वो महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करना शुरू करेंगे। जब भगवान राम, भगवान शिव, उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया है तो इस धरती पर रहने वाले पुरुष कौन होते हैं ये तय करने वाले कि यहाँ हम पूजा करेंगे और वहाँ नहीं करेंगे। सबको ये देखना है कि आते हुए दिन में हर एक स्थान पे महिला पुरुष एक बराबर हो। मैं तमाम उन महिला एक्टिविस्ट को बधाई देती हूँ जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी। देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। इनमें केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर, पुष्कर का कार्तिकेय मंदिर, छत्तीसगढ़ का मवाली माता मंदिर भी शामिल है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। किरण बेदी जी, पहला सवाल आपसे कि इस तरह से खुलेआम जो कानून का उल्लंघन हो रहा है, भारत का संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर गैर बराबरी नहीं की जा सकती, और उसके बावजूद आखिरकार क्यों ये गैर बराबरी दिखाई देती है? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है कि महिलाओं को, पहले दलितों को भी रोका जाता था और आज भी दलितों को रोका जाता है? हमारा देश वोट बैंक्स में बटा हुआ है, जात की वजह से या फेथ की वजह से हमारा देश वोट बैंक्स में बटा हुआ है। अगर कोई, यहां तक कि गांव और शहर में भी बटा हुआ है, झुग्गी झोंपड़ी में कोई रहता है या पक्के मकान में रहता है तो भी बटा हुआ है, व्यवसाय में भी बटा हुआ है। इसलिए जब आप देखते हैं राजनीति को तो हर शब्द, हर स्टेटमेंट एक आंख होती है कि जो मैं कह रहा हूं या कह रही हूं कहीं मेरा वो वर्ग तो नहीं मेरे से आइसोलेट हो रहा, और फिर गणित होता है, अरिथमेटिक होता है कि मैं किस अरिथमेटिक के लिए कितने परसेंट वोट से मैं जीत सकता हूं। सो हमारी आज की डेमोक्रेसी तो बहुत है, करोड़ों लोग जाते हैं। लेकिन मैं यहां सवाल ये करूंगा किरण जी, मैं एक बीच में सवाल करना चाहूंगा कि वोट की राजनीति की अगर बात करें तो महिलाएं जो हैं, जी मैं एक सवाल आपसे ही कर रहा हूं कि वोट की राजनीति की अगर बात करें तो आधी आबादी महिलाओं की है, और आखिरकार राजनेता जो हैं इस बात को क्यों नहीं समझते कि आधी आबादी है, आधा वोट है उनका, और आज के दिन महिलाएं स्वतंत्र रूप से वोट के बारे में फैसला करने लगी हैं। कई चुनावों में ऐसा देखा गया कि वो पुरुषों के निर्देश पर वोट नहीं करती, अब खुद फैसला करती हैं, तब भी राजनीतिक दलों के नेता इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? नहीं, ये माइनॉरिटी है जो आप कह रहे हैं कि खुद फैसला करती, ये बहुत माइनॉरिटी है, आप मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहे, ये माइनॉरिटी है। विमेन, महिलाएं अभी भी इस देश में एक वोट बैंक, एक पूरा वोट बैंक नहीं है। अगर आज महिलाएं वोट बैंक होती तो इस देश की राजनीति बिल्कुल बदल जाती। जगह जगह गांव गांव में शराब के ठेके नहीं खुलते, जो औरत ही पिटती है, औरत जो पिटती है वो शराब, जहां जहां छोटे छोटे गांव में महिलाओं ने आवाज उठाई है वहां ही ये ऐसे शराब के ठेके बंद हुए हैं। अगर आज राजनीति वोट बैंक होती तो बहुत फर्क होता राजनीति प्रशासन में। इसलिए मेरी व्यू ये है कि आपका प्रश्न ये था कि क्या ये पॉलिटिकल इच्छा विल पावर से की वजह से है, जी हाँ, ये हर एक राजनीतिक जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है चाहे किसी पार्टी का भी हो वो हमेशा इस बात पे गणित करता है कि जो मैं कह रहा हूं या कह रही हूं क्या ये मुझे आने वाली, और हमारे देश में तो हर साल इलेक्शन हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि एक साल, पांच साल में एक ही बार इलेक्शन नहीं होती है, कभी कोई असेंबली की इलेक्शन हो रही है, कभी किसी स्टेट की, कभी किसी स्टेट की, तो इसलिए आपके पास तो प्रशासन का तो समय नहीं मिल रहा, आप तो सिर्फ गणित में ही है, और ये हर पार्टी की प्रॉब्लम है। इस वक्त हमको रियल सॉल्यूशंस ढूंढना पड़ेगा कि एक बारी करो राजनीति, पांच साल करो प्रशासन, तो ही जाके आप पॉलिसीज पे आएंगे, तो ही आप निडर होके इस देश को आगे चला सकेंगे, तब तक नहीं। तो प्रॉब्लम ये है, पॉलिटिकल विल है लेकिन वापस वोटर की प्रॉब्लम है, क्योंकि वोटर बटे हुए हैं, वोटर अपने जात को देखता है, फेथ को देखता है, किस अमीरी गरीबी को देखता है, रूरल अर्बन को देखता है, वो विकास को नहीं देखता है, वो मुफ्त चीजें भी ढूंढता है कि मुझे मुफ्त कौन देगा, कौन मुफ्त पानी देगा, कौन कम बिजली पानी का खर्चा देगा, युवा आज मुफ्त वाईफाई मांग रहा है। सो ये इश्यूज नहीं है, इसलिए कचहरी ही हमारा सोल्यूशन बना हुआ है।
इस देश को जब भी कोई समाधान दे रहा है आज वो कचहरी ही दे रही है, जुडिशरी दे रही है, राजनीति नहीं दे रही, जुडिशरी इसलिए दे रही है। किरण जी मैं तो फिर आपके पास आऊंगा और हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है क्योंकि बार बार वोट चुनाव के चलते नेता जो है फैसला नहीं करते। स्वामी अग्निवेश जी, क्या अगला सवाल आपसे है स्वामी जी कि आखिरकार क्यों जो हमारा हमारे धर्म गुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं और जो बड़े महामंडलेश्वर हैं, ये बैठकर ये नहीं बताने के लिए तैयार हैं आज भी कि सब हिंदू बराबर हैं और सब हिंदू को, चाहे स्त्री पुरुष चाहे कोई भी जाति हो, उनको मंदिरों में जाने का अधिकार और पूजा करने का अधिकार है। मुझे लगता है कोई तकनीकी गड़बड़ी है और हम स्वामी अग्निवेश जी के पास में जाएंगे। आचार्य अजय गौतम जी, आखिरकार ये हो क्या रहा है आज के भारत में कि महिला, जो महिला पुरुषों को जन्म देती है, बच्चे को जन्म महिला ही देती है, पुरुष हो या स्त्री हो, उसको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है? जो ये जितने हमारे भगवान हैं, कुछ जो स्वयंभू कहते हैं उनको अगर छोड़ दें तो राम और कृष्ण इनको भी किसी महिला ने जन्म दिया, उसी महिला को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है? शैलेश जी, मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो मंदिर होता है वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह चलता है और हमारे यहाँ जहाँ तक शंकराचार्य जा सकते हैं वहाँ तक स्त्री भी जा सकती है, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। लेकिन जो गर्भगृह जिसको कहा जाता है, जिसे सेंटर सेंटोरियम कहा जाता है, वहाँ पर जाने की इजाज़त उस मंदिर के पुजारी के अलावा किसी को भी नहीं होती। ये हमारे नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में, जो हमारे शास्त्र है, निर्णय सिंधु है, तमाम जो ग्रंथ है उसमें स्पष्ट विदित लिखा गया है कि गर्भगृह के अंदर जाने की अनुमति, भोग प्रसाद आरती की अनुमति सिर्फ और सिर्फ वहां के पुजारियों को है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पुजारियों को है, बिल्कुल है। लेकिन जहां तक पुरुष भक्त जाता है वहां तक महिला भक्त क्यों नहीं जा सकती? देखिए एक बात सुनिए, जो सारा विवाद का जड़ है ये शनि सिग्नापुर का है, शनि सिग्नापुर से ही विवाद उत्पन्न होगा, उसके अलावा ये विवाद नहीं था। मैं पद्मनाभ मंदिर, पद्मनाभ मंदिर के लिए स्त्री जाती है अगर वो 12 साल से छोटी है, 50 साल से ऊपर है। देखिए अब एक बार बताइए, अगर वहां के जो देवता हैं, वो उस देवता का अपना मत है कि मेरा पूजन इस प्रकार से होना चाहिए, तो मैं नहीं समझता उसमें अतिशोक्ति होनी चाहिए। मैं छोटा सा एक प्रश्न करता हूँ, जिस शनि मंदिर पे महिलाओं के द्वारा पूजा करने का ये जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, उस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, वो उस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है, वो क्षेत्र सबसे ज्यादा ग्रसित है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में शनि को भगाया जाता है, बुलाया नहीं जाता है। अब हमारे यहाँ लोकाचार में भी कहते हैं, अरे इसके तो दिन ही बुरे चलेगा, इसके इसके सर पर तो शनि बैठ गया, यानी कि क्योंकि वहां लोकाचार की परंपरा है शनि का पूजन करना। इसके अलावा 12 साल पहले उठा के देख लीजिए, आपको कहीं शनि के मंदिर ना दिल्ली में मिलते थे ना और जगह मिलते थे। पिछले 15 वर्ष में आप भी मीडिया में रहे, हम भी मीडिया में रहे, जिस तरीके से शनि की स्टोरियां चलाई गई, जिस तरीके से शनि को प्रोपोगेट करा गया, पिक्चरें बनी, सीरियल बने, उसी के कारण ये हर मंदिर के अंदर जहां साई और शनि हर मंदिर इन दोनों को स्थापित कर दिया गया, ये सब टीआरपी का खेल है। धार्मिक दृष्टि से शनि का आह्वान होता है और विसर्जन होता है, मंदिर की स्थापना का निर्देश है ही नहीं। यही कारण है कि महाराष्ट्र का वो जो क्षेत्र जहां शनि का मंदिर है वहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, सबसे ज्यादा सूखा है, और सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ा क्षेत्र है तो वही क्षेत्र है। आचार्य जी आपने तो बहस को एक और दिशा दे दी कि ये जो टीवी ने शनि देवता को पैदा कर दिया और फिल्म और टीवी ने मिल करके कई और संत जो हैं, कई और परंपराएं कायम कर दी। और लेकिन चलिए हम एक महिला से फिर से ये समझने की कोशिश करते हैं, कृष्णा तारे जी, कि आखिरकार क्या प्रतिक्रिया होती होगी जब एक महिला को कहा जाता है कि आप महिला हैं और इसलिए आप इस मंदिर में नहीं जा सकती। सबसे पहली बात तो ये है, सभी को आदरणीय जितने हमारे बैठे हैं सबको हमारे प्रणाम। सबसे पहली बात ये है कि अभी हमारे अजय गौतम जी कह रहे थे कि वहाँ पर किसान जो है भूखे मरते हैं, उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं।
मैं कहती हूँ ऐसी जगह जहां पर शनि ग्रह की पूजा स्थापना होती है वहां पर अगर इस तरीके की चीजें हो रही है और स्त्रियां जा रही है, क्या पता वहां पे अच्छे चेंजिंग आ जाए। और एक स्त्री जो ज्यादातर धर्म गुरुओं को जन्म देती है वो उनको बताती है बेटा ये तुम्हारा स्कूल, सबसे पहले गुरु वो ही है, माँ ही हमारी गुरु है, वो बताती है अगर वो पढ़ना लिखना ना सिखाए तो आप जो है उस वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां आज बैठे हुए हैं सब लोग, क्योंकि वो चाहे तो आपको बोलना नहीं सिखाए, वो चाहे तो आपको खाना नहीं सिखाए और फिर उसके और पुरुष की उत्पत्ति पे भी पाबंदी लगा दे कि भाई हमें घर में बेटा नहीं चाहिए बेटी चाहिए, तो क्या होगा? उसके बाद आज वही पुरुष जो है फैसला करते हैं कि जो है हमारी स्त्रियां जो है वहां नहीं जाएंगी, गर्भगृह की बात आपने की है कि वहां तक नहीं जाने, अरे उनको इतनी समझ है कि वो जब अशुद्ध होती है तो वो वैसे ही नहीं जाएंगी, जिस स्त्री के नाम के साथ में राधा कृष्ण मंदिर में बैठे हैं, राम और सीता मंदिर में बैठे हैं, तो आप ये देखिए वहां पे भी तो मंदिर के अंदर भी तो स्त्री बैठी है तभी एक साथ पूजे जाते हैं। पुरुष और एक छोटा सा प्रश्न कृष्णा जी से, पुरुष और स्त्री आपकी नजरों में बराबर है? बिल्कुल बराबर, अर्धनारी एक से पब्लिक कुछ कहना चाहती है, मान करता हूं सर, हां मेरे मेरे मेरी भी दो बेटी है लेकिन मैं इसमें आते कह रहा हूं कुछ नहीं, आप मानती हैं कि आपको मतलब पुरुष और स्त्री समान है? जी बिल्कुल। तो आपको मेट्रो में अलग से डिब्बा क्यों चाहिए? आपको मेट्रो में अलग से डिब्बा क्यों चाहिए? आपको मेट्रो के हर सीट के अंदर दो सीटों की रिजर्वेशन क्यों चाहिए? आपको अलग से कानून क्यों चाहिए? आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, अगर एक अब आप दोनों हाथों में लड्डू, मैं इस पर एक तरफ आपको सुविधा भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए और सहल जो वो भी चाहिए, दिस इज द डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन इन द राइट ऑफ मैं आप दोनों को एक मिनट के लिए रोकूंगा, यहाँ यहाँ युवा 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 जनता जो है कुछ बोलना चाहती है, आप बोलें जी। सर एक्स्ट्रा डब्बे इसलिए है कज वहाँ पे मर्द छेड़ते हैं, हम जाके उन्हें छेड़ते नहीं है, जब यहाँ पे छेड़छाड़ की घटना है, लेकिन मैं एक बार बच्चे छेड़ने हमारा छेड़ने की बात नहीं कर रहा, अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तीन ड्रंकन लेडी एक आम आदमी को किसी से गालियां दे रही थी, आपने भी देखा होगा, ये मत कहिए आपकी छेड़ने, आज 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 सुरक्षा की तरफ जरूरत पुरुषों को है, महिलाओं मैं कृष्णा तारा जी, मैं आपको भी रोक रहा हूँ, एक बार फिर से हम चलते हैं स्वामी अग्निवेश जी के पास, और अग्निवेश जी खास तौर पे आप ये बताएं कि धर्म जो है खास तौर पे हिंदू धर्म क्या महिलाओं को के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, क्या धर्म में ऐसी व्यवस्था है कि महिला जो है वो कमतर है? शैलेश जी, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो वास्तव में वैदिक धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म में स्त्री और पुरुष जीवन के हर क्षेत्र में बराबर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, किसी तरीके का भेदभाव वहाँ पर बर्दाश्त नहीं है, ये वेद की ऋचाओं से लेकर के उपनिषदों में और सभी हमारी जो परंपरा है उच्चतम। अब ये जो सड़ा गला धर्म आया है बीच में मध्य युग से, उसमें इस प्रकार के भेदभाव करने लग गए और उनको सबसे कमजोर जगह पर बायोलॉजिकल जो है स्त्री का माहवारी होते ही उसको अपवित्र कह दिया जाता है, पुरुष के लिए क्यों नहीं कोई माहवारी या कोई ऐसी चीज़ निकाली जाती है उसकी मूंछ आ जाए उसको भी तो अपवित्र कर देना चाहिए, लेकिन ये जो तरीका है कि औरतों को किसी तरीके से नीचा दिखाना, मैंने मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन किया था 89 और 90 के, और उस समय दलितों को नाथ द्वारा के मंदिर में नहीं दिया जाने दिया जाता था, शंकराचार्य जी ने यहाँ तक कह दिया था, पुरी के शंकराचार्य, उनको बाहर से कलश के दर्शन कर लेने चाहिए गुंबज के और इसी से उनके पुण्य प्रताप जग उठेगा। मैंने कहा क्यों, बाकी लोगों के लिए ऐसा क्यों नहीं है? तब 2 साल लगातार हमें संघर्ष करके बहुत लंबे चौड़े उसके बाद फिर जा कर के मैं गिरफ्तार भी हुआ, हजारों लोग हमारे पिटे भी सब तरीके से, लेकिन हम कामयाब हुए और नाथ द्वारा मंदिर में दलितों का प्रवेश शुरू हुआ। अब मैं कुल मिलाकर के ये देखता हूँ कि कभी दलितों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, कभी महिलाओं के लिए करना पड़ता है, ये मंदिर हैं या मुसीबत हैं? मुझे समझ में नहीं आता, जिस मंदिर को हम ईश्वर का स्थान बताते हैं वो तो ईंट चूने पत्थर गारे का बना हुआ मंदिर, उसमें मूर्ति भी पत्थर की बनी हुई है,
कितना सुंदर, कितना पवित्रतम मंदिर परमात्मा हमें बना के देता है। हमें हमारा शरीर, हमारा मन ही मंदिर है, आत्मा में परमात्मा का निवास है। इसलिए वेद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशा, जिसको हम परमात्मा कहते हैं उसकी कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति नहीं हो सकती। फिर हम ये प्रतिमा वाले मंदिरों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? स्त्री हों या पुरुष हों, दलित हों या ब्राह्मण हों, हम सबको चाहिए कि अपने परमात्मा की उपासना उसके गुणों का ध्यान करते हुए हमें अपने मन में करना चाहिए, अपनी आत्मा में करना चाहिए। इसमें ना तो खर्च है और ना कहीं हमें किसी से कोई झगड़ा है। कोई रोक नहीं सकता हमें कि अपने आँख बंद करके हम अपने हृदय में अपने परमात्मा का ध्यान। फिर आ रहा हूँ मैं इस बहस को थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहता हूँ। नसीर अब्दुल्ला साहब, मैं बीच में आपको लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये समस्या भारत में जो है वो सिर्फ हिंदुओं में नहीं है। मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं का प्रवेश जो है वो नहीं हो सकता जी। यहां तक कि बहुत सारे मस्जिद हैं जिसमें हिंदू जो हैं वो सिर पे टोपी बांध, रुमाल बांध करके या टोपी लगा के जा सकते हैं, महिलाएं नहीं जा सकती जी। तो ये जबकि मक्का में जी, मदीना में ऐसी कोई रोक नहीं है, तो ये कहां से आ गया और क्यों है, क्यों इसको ये होता है? यहां तक कि कुछ जगह जो जो मजार है जी जी, वहां पर भी नहीं जा सकते। निजामुद्दीन के मजार पर नहीं जा सकते, हाजी अली में नहीं जा सकती हैं महिलाएं जी। हाँ, इस अपना लिहाज में मैं इतना तो कहूँगा कि मज़ार के बिल्कुल ही बाहर, यानी कि जो जो मज़ार होता है वो एक अपना ये एक छोटी सी कोठरी की तरह होता है, तो वो जो महिलाएं हैं वो जो जाली होती है उसके आसपास, उसके बाहर बैठ करके अपनी दुआ करती हैं, ये जो भी पढ़ते हैं। मुझे एक बात एक्चुअली समझ में आ रही है, वो ये आ रही है कि ये जो कानून जो बनाए अपना गए हैं कि जो महिलाएं हैं उनको अलग रखा जाए, उसकी एक वजह है। वो असल में वजह ये है कोई के उन दोनों के मिलने जुलने में कुछ ऐसी बात ना हो जाए कि दूसरी ये कि दोस्ती बढ़ जाए, आगे इंसान का ध्यान बढ़ जाए। जैसे मर्द है, जैसे मैं हूँ, मैं एक अट्रैक्टिव औरत को देखता हूँ तो मैं जिस अपना काम से आया हूँ उसको शायद मैं हल्का सा भूल जाऊँ। क्यों भाई, इसमें भूलने की क्या बात है? एक मिनट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, महिलाएं हैं आप मुझे बात करने दीजिए जी, बोलिए, और फिर बाद में मारिएगा जूती, मुझे कोई असर नहीं होता। एक वजह होती है कि इतना मेल जोल, अब आश्रम में जाता हूँ, मैं भी गया हूँ, मैं वहाँ पे ये सत्य साई बाबा के आश्रम में हम गया बहुत बार, कोई मैं 40 साल से जा रहा हूँ, वहाँ भी जो महिलाएं अलग रहती हैं, अलग से मतलब हैं सामने, लेकिन जो मर्द हैं अलग हैं, औरतें अलग हैं, ताकि अपने हित में रहें। जिस अपना काम से आए हैं, जो अपनी पूजा के लिए आए हैं या ध्यान के लिए आए हैं या अपने जो भी ब्लेसिंग्स आशीर्वाद के लिए आए, वो चीज़ कायम रहे। अगर आपका ध्यान बढ़ गया और ये जो आकर्षण, जिस आकर्षण की बात आप कहते हैं वो आकर्षण मक्का में नहीं है, वहां जब महिलाएं जाती हैं मैं तो साथ साथ रहती हैं। मैं वहां नहीं है क्या? मक्का में आसान नहीं है, इसलिए कि सबको आगे बढ़ना होता है, एक 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 झुंड होता है, लेकिन जहां पे दरगाह है, जहां पे बैठते हैं लोग, वहां पे गड़बड़ होने का चांस वैसा है, तो इसीलिए उनको अलग अलग लगते हैं कि अपने अपने भगवान को, अपने खुदा को। मैं जरा ये इन लड़कियों से पूछता हूँ कि भाई क्या क्या, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ कि औरतें न जाएं, मैं कहता हूँ कि औरतों के लिए एक अलग सा इंतजाम हो जाए कि वो फिर भी अलग रह करके अपना काम कर सके। आपकी बात का मतलब ये हुआ कि इंसान औरतों से परेशान होकर दरगाह जाता है या मंदिर जाता है, वो अपनी औरत नहीं 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 मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए, नहीं नहीं मेरे मुंह में वो बात नहीं डालिए, मेरे मुंह में वो बात नहीं डालिए जो मेरे दिमाग में नहीं है, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैं अंग्रेजी में भी कह रहा हूं जी। सर पहली चीज तो ये कि सर आपने कहा था कि मंदिर जो है वो इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो पहली बात मंदिर इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं। मंदिर में हम सिर्फ पूजा करने जाते हैं, और वैष्णो देवी की जो हम जो या वैष्णो देवी के बाद हम आते हैं, हम कंजके करते हैं, उस पर भी हम सारी लड़कियों को बिठाते हैं, वो भी तो फिर उनकी पूजा क्यों करते हैं? बच्चे, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्ट, उसके अंदर मंदिर कवर होते हैं। आपने मंदिर को बाहर से देख लिया, लेकिन उस मंदिर की जो व्यवस्था है, उस मंदिर का जो रजिस्ट्रेशन है, उस मंदिर का जो लेखा जोख है, वो सब उस एक्ट के अंदर होता है, वो सब उस एक्ट के अंदर होता है। बात की बात, इंस्टीट्यूशन क्यों बोल रहे हो? इंस्टीट्यूशन हर कोई चीज, एक कोई संस्था, इनका कहना हिंदुस्तान में कोई चीज फ्री नहीं है, उसको गवर्नेंस करने के लिए, उसके रूल्स और रेगुलेशंस के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन है, इसलिए आपने ये किया। ठीक है,
आचार्य मार्तंडपुरी जी, मैं ये समझ नहीं पाया हूँ कि जिस माँ के से वो जन्म लेता है बच्चा, वो जब साधु संत सन्यासी बन जाता है, तो फिर अपनी माँ को, अपनी बहन को या अपनी पत्नी को ही क्यों वर्जित कर देता है धर्म स्थान में जाने से? क्यों उसको वो ये भूल जाता है कि उसी माता से वो पैदा हुआ है जो स्त्री है? देखिए, कतई नहीं भूलता। आदि शंकराचार्य जी ने भी शंकराचार्य और संन्यास के बाद अपनी माता के संस्कार के लिए, श्राद्ध के लिए गए थे। हम लोग थोड़ी गंभीरता से बात करें। स्त्री पुरुष की बात जहां तक आती है, मैं ये समझता हूं कि स्त्री इस सृष्टि की, इस प्रभु की श्रेष्ठतम रचना है। उसके पास जो सृजन की शक्ति है, संवेदना की जो भावना है, वह पुरुष के तुलना में बहुत श्रेष्ठ है। और बिना स्त्री की शक्ति के कोई भी देवी या कोई भी देवता पूज्य नहीं है। और एक गंभीर बात है, हिंदू धर्म में कोई भी यज्ञ, कोई भी हवन पत्नी के बिना नहीं होता। मैं तो ये कहता हूं, मैं तो ये आह्वान करता हूं कि जिस मंदिर में महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध हो, वहां उनके पतियों को भी नहीं जाना चाहिए। और यह कहना चाहिए कि जब तक तुम हमें साथ जाने की अनुमति नहीं दोगे, क्योंकि धर्म पत्नी शब्द का अर्थ होता है कि पहले हम अकेले धर्म करते थे, अब साथ साथ करते हैं, धर्म करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने की है। और इस महापंचायत का जो लक्ष्य था कि हम एक ओपिनियन फॉर्म करें, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप। ये जो सारा बखेड़ा है वो आखिर क्यों हो रहा है? मैं कहना चाहूंगा कि आज भी उत्तराखंड में भी ऐसे मंदिर है जहां दलित भी नहीं जा सकते, महिलाएं नहीं जा सकती। तो आखिरकार इन मंदिरों का मतलब क्या है और कौन लोग हैं और क्यों हो रहा है? ये कानून कहता है कि महिलाएं भी जा सकती हैं, लेकिन पालन नहीं हो रहा है। धर्म में विकृति नहीं है। धर्म तो हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है, वो चाहे उसे हम हिंदू धर्म कह दें या हम वैदिक धर्म कहें, वो ये सिखाता है कि जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि को ही। जब हमें कुछ लेना होता है, अगर हम धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अगर ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, सरस्वती की पूजा करते हैं, अगर ताकत चाहिए तो शक्ति की पूजा करते हैं। लेकिन जब देने की बात आती है तो हम कहते हैं कि स्त्री प्रवेश निषेध, महिलाओं से लेना सब कुछ चाहते हैं और देना कुछ नहीं चाहते। ये जो धर्म के जो व्याख्या करने वाले लोग, धर्म के जो ठेकेदार बन रहे, इन्होंने धर्म को धंधा बना दिया है। ये सब बदमाशी इन धर्म गुरुओं की है। धर्म में कहीं गड़बड़ नहीं है, धर्म गड़बड़ नहीं है, धर्म गलत नहीं है, धर्म एकदम ठीक है, चाहे उसे हम सनातन धर्म कहें चाहे वैदिक धर्म कहें। और धर्म के अंदर जब धर्म के अंदर कट्टरता आ जाती है, फैनेटिज्म आ जाता है, तो उस धर्म का पतन शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है प्रमोद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात की है आपने। धर्म के अंदर और हम दोबारा आपके पास आएंगे। एक बार फिर किरण वेदी जी के पास चलते हैं। किरण जी, एक बात बहुत साफ तौर पर निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं से जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो पंडित पुरोहित हैं, मुल्ला हैं, ये लोग गलत ढंग से धर्म की परिभाषा बना करके और महिला को, स्त्री को कहीं ना कहीं दूसरे दर्जे का रखने के लिए उनको कई धार्मिक अनुष्ठानों से अलग कर देना चाहते हैं, जिसमें मंदिर में प्रवेश भी एक है। और यही स्थिति दलितों की थी कभी। आपको क्या लगता है ये स्थितियां बदलेंगी कैसे? ये बदल सकती हैं प्रोवाइडेड हमारे सत्संग में, हमारे प्रार्थना, इतवार को जो प्रार्थना होती है चर्च में, मंगलवार को प्रार्थनाएं होती हैं मंदिरों में, क्योंकि हम लोग मंगल, सोम ऐसे दिन मनाते, वीरवार ऐसे मनाते हैं। सो मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, जब तक उनके जो पुरुष, ये सब जगह पुरुष ही होता है, महिला कोई नहीं होती, पुरुष प्रधान जो पादरी है या उसका लीडर है, प्रार्थना कोई भी करे, एंड में ये कहे मानवता के साथ जाना, यहाँ से बराबरी की भावना के साथ जाना, शांति की भावना से जाना, त्याग की भावना से जाना। जिस दिन ये वाले ये लोग ये मैसेज देने लग जाए, जिसको कहते मानवता, इंसानियत, तो आप कोई भी धर्म, किसी को भी पूजे, कोई भी ग्रंथ पढ़े,
आपका मानवता, आपको शांति, आपको सद्भावना, आपका असली धर्म है। जब ये लोग ठेकेदार जो हमारे हैं पाद, ये लोग धर्म के ठेकेदार, ये अपना ठेका थोड़ा डेमोक्रेटिक कर दे और उसमें मानवता डाल दे, आप देखेंगे हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अहम देश। लेकिन वो क्यों करेंगे? तो है कि ये मैसेज क्या देते, ये करेंगे क्यों? इसमें तो उनका फायदा है। देखिए, एक एक जगह आप आकर के देखेंगे तो कहीं ना कहीं धर्मगुरु और राजनीति और अपराध, पहले जो कहा जाता था कि अपराध और राजनीति का गठजोड़ है, मैं अभी चुनाव के समय साफ साफ देख सकता हूं कि अपराध, राजनीति और धर्म, इसका भी घालमेल हो गया है। धर्मगुरु जो है सीधे तौर पर उतर जाते हैं किसी के फेवर में, किसी के खिलाफ, और पूरी सक्रियता से राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि चीजें बदलेंगी? जी चलो, अगर ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार नहीं करना चाहते तो फिर एक एक कर सकता है, एक वर्ग कर सकता है, वो है मां। हर पुरुष की मां, हर पुरुष की मां, हर बेटे की मां, वो मानवता सिखा दे अपने बेटे को। वो मां सबसे ऊपर है। वही माँ आज जो परेशान है कि उसकी बेटियां को कोई तंग करता है या बेटियां को उसको पूरा अधिकार नहीं मिलता, वो है माँ। अगर हमारे देश की माताएं एक मैसेज दे दे हर अपने बेटे को कि तुम इस तुमने बड़े होके मेरा नाम इस प्रकार रोशन करना है कि तूने मानवता सीखी, तू गुरुद्वारे में जाके कुछ भी सीखना लेकिन मानवता सीख के जाना, तू जा कुछ भी सीख के आना लेकिन मानवता मत भूलना। जिस दिन हमारे देश की माँ बदल गई, माँ की सोच बदल गई, पुरुष बदल गया, क्योंकि पहली गोद, पहली जुबान तो शिक्षा तो माँ के गोद में से होती है, माँ ही सिखाती है, बाद फिर पिता बाद में है, पहले माँ है। तो मैं ही समझती हूँ अगर माँ ही इस देश, मदरलैंड असली मातृभूमि ले ले और माँ जिम्मेवारी ले ले, जहां इसमें कम से कम माताएं और महिला ठान ले कि हमने अपने देश में मानवता का धर्म देना है, ह्यूमैनिटी का। तुम किसी मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ या चर्च में, आपकी मर्जी, लेकिन बेटा मानवता करना, इसलिए इज्जत करना, दूसरे की अधिकारों को समझना, अपनी जिम्मेवारी तुम्हारा धर्म है, मैं समझती हूँ देश बदलने लगेगा। इससे देश बदलेगा। किरण जी, हम फिर आपके पास आएंगे, मैं आपके पास फिर आता हूँ। इसके पहले हम आचार्य गौतम जी आपको मैं आमंत्रित करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं देख रहा हूँ कि कृष्णा तारा जी, मैं सीधे आपके के सामने आ रहा हूं। किरण जी ने जो कुछ भी कहा कि माँ की एक बहुत जबरदस्त भूमिका हो सकती है, पर एक सच्चाई और है जी। कि सदियों से महिलाओं को इस तरह से जीना और रहना सिखाया गया है कि माँ जो है वो जो इस तरह के मानवता की बात, जो कट्टरता के खिलाफ बात, वो सिखा नहीं पाती, कहीं ना कहीं माँ ही उसमें होती है। आप देखिए, जो सास जो बहू पर अत्याचार करती है वो तो स्त्री ही है, तो ये आएगा कैसे माँ के भीतर इस जागरण को? किरण जी की बातों से सहमत हूँ मैं। जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था कि माँ सबसे पहले गुरु होती है। माँ जो है बच्चे को जो पढ़ाती है, बच्चा तो एकदम मासूम होता है, उसको जैसे जैसे वो बोलेगी कि बेटा ये हमारे उसमें जो है हमारे धर्म में ये होता है, हमारी यहाँ स्त्रियों की इज्जत की जाती है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी, सबके बारे में बताती है, ये माँ ही बताती है। तो माँ को चेंज होना है। आज कहीं ना कहीं कुछ स्त्रियों के दिमाग में ये रहता है कि हमारे घर में पुत्र पैदा हो जाए, बेटा पैदा, हमारा वंश चल जाए, ये सोच भी हटानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेटे से नहीं, इस लड़कियों से घर चलता है हमारी। जहाँ जिस घर में कन्या नहीं होगी उस घर में, वहां पर देवी पूजा तो क्या, देवी भी प्रसन्न नहीं होगी। आप नवरात्रों में घूमते रहते हो, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बहू नहीं मिलेगी, नवरात्रों के लिए कंजक नहीं मिलेगी, क्योंकि इस तरीके की अगर हम माएं अगर अपने लाइन से बात है कि कई कई राज्यों में ये स्थिति चल रही है। आचार्य अभी अभी बड़ा लच्छेदार तकरीर हुई, भाषण हुआ, किरण जी ने इतनी लंबी दी, अग्निवेश जी ने इतनी लंबे लंबे प्रवचन दिए, और इस देश के अंदर पुरुषों की ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश करी कि जैसे इस देश में जो पुरुष हैं वो पता नहीं कितने बड़े अत्याचारी हैं। इस देश में 20 लाख छोटे, प्लीज अलाउ, 20 लाख छोटे मोटे मंदिर हैं, 20 लाख सर,
उस 20 लाख मंदिरों के अंदर से मात्र 5 मंदिर ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो जिनके अंदर स्त्रियों का कंडीशनली प्रवेश वर्जित है। कंडीशनली कह रहा हूं, 20 लाख में से सिर्फ 5 मंदिर ऐसे हैं और बाकी मंदिरों में आपको हर जगह जाने की स्वतंत्रता है, देवता को स्पर्श करने की स्वतंत्रता है, भगवान शिव का अभिषेक करने की स्वतंत्रता है, पूजा भोग आरती सब करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद आपने पुरुषों को इतना बड़ा खलनायक बनाने की जो आप ये लोग चेष्टा कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बैठे हैं या और हमारे गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, ये आप लोग किस जगह ले, किस कहां लेके जा रहे समाज को? अगर इस देश में स्त्रियों की इज्जत नहीं होती तो आज मुझे बताइए ग्राम पंचायत से लेके लोकसभा तक स्त्रियों के लिए रिजर्वेशन ना होता? आज हर पुरुष की सीट लोकसभा में रिजर्वेशन, हर पुरुष की सीट से लोकसभा में रिजर्वेशन कहां दिया? पुरुष की सीट से नहीं दिया, चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन किसी आचार्य जी चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं आपको रोकूंगा, आप इस तरीके से पुरुषों की छवि को बना के आपको रोकूंगा मैं जी। आप इतना बड़ा कह रहे हैं कि मैं इस एक छोटी बच्ची से एक छोटी सी बच्ची का सवाल है, आप जरा सुनिए। आपने कहा 12 से 50 आप सुने बच्चे क्या कह रहे हैं? सर जो 12 साल से कम उम्र की लड़कियां सिर्फ उनको जाना अलाउ है या फिर 50 साल से ऊपर? तो सर जो मंदिर के मूर्तिकार होते हैं उसमें स्त्रियां भी होती हैं, तो जो 12 से 50 साल की जो बीच की हैं वो ही मूर्तिकार होती हैं। आप उस मूर्ति को स्थापित कैसे कर सकते हो अंदर? सुनिए सुनिए, इतना जोश में मत आइए। जवाब तो लीजिए, जिस सबरीमला मंदिर की आप बात कर रही हैं उसी में भी एक लेडी सबरीमला मंदिर है जहाँ सिर्फ महिला ही पूजा करने के लिए जाती है, वहाँ पुरुषों को अधिकार नहीं है, तो क्या हमने उसके लिए कभी बवाल किया? हमने आज पार्लियामेंट अगर आप नहीं, आप मुझे बताइए जो सिर्फ लेडी शबरी वाला मंदिर है या वो असम के अंदर स्त्रियों का मंदिर है वहाँ पुरुष नहीं जाते? कभी पुरुषों ने कहा कि हमें जाने का अधिकार चाहिए? सिर्फ 5 मंदिरों के अंदर है ये, सिर्फ उन्माद है और ये स्त्रियों के लिए आगे आने वाले समाज भूमिका को बदल देगा। 5 मंदिरों में अगर उन 5 मंदिरों में भी महिलाएं चली जाएंगी तो कौन सी प्रलय आ जाएगी? प्रलय आई थी जब जो 28 नवंबर को जब एक लड़की गई थी साउथ इंडिया की, जिसने जो उसमें सेंटर सेंटोरियम पे चढ़ गई थी और जाके तेला अभिषेक कराई थी, उसके बाद दक्षिण भारत में प्रलय आई थी। ये आपका आंसर है? तो केदारनाथ में भी आ रहा था जी जी जी। मैं प्रलय आई थी स्वामी अग्निवेश जी, स्वामी अग्निवेश जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सचमुच महिलाओं के एक महिला तेलाभिषेक करने के लिए गई और उसके चलते दो महत्वपूर्ण बातें आचार्य अजय गौतम जी ने रखी है, जरा आप सुन ले। पहले पहली बात उन्होंने कहा कि शनि मंदिर है और इसलिए महाराष्ट्र उस क्षेत्र में लगातार सूखा पड़ रहा है और किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने की कि मंदिर में एक स्त्री के जाने के कारण और तेलाभिषेक के कारण जो दक्षिण भारत में प्रलय जैसी स्थिति आ गई, वो जो सुनामी और तूफान की बात कर रहे हैं। क्या ईश्वर ऐसा करते हैं? क्या ईश्वर महिला से इतने चिढ़ गए हैं या शनि से भी चिढ़े हुए हैं? जी जी जी, बहुत अच्छा शैलेश जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। हम लोग चर्चा कर रहे हैं ईश्वर उपासना की बात और ईश्वर उपासना को बिल्कुल हमें एक अलग दर्जे पर रखना है। ईश्वर कैसा है और फिर उसकी उपासना का तरीका वैसे। ईश्वर सर्वव्यापी है, पूरे ब्रह्मांड के कण कण में समाया हुआ है। ईशोपनिषद का पहला मंत्र ये कहता है, ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जब पूरे चराचर जगत में वो व्याप्त सर्वव्यापी परमात्मा है। लेकिन मैं आपसे स्वामी जी मैं यहाँ टोकूंगा, आपसे एक साफ सवाल पूछना चाहता हूँ जो आचार्य अजय गौतम जी ने कहा जी। उन्होंने आपने बहुत, आप सुनिए सुनिए, देखिए आप ईश्वर उपासना की बात कर रहे हैं या किसी मंदिर की उपासना, पत्थर की उपासना की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं ईश्वर की उपासना। ईश्वर सर्वव्यापी है और वो निराकार है, वो हम सबके हृदय के अंदर है, उसके गुणों का ध्यान करने की हम सबको पूरी आजादी। मेरा सवाल एक बार फिर से आप सुने कि आचार्य अजय गौतम जी ने कहा कि शनि मंदिर में वहां जाकर मंदिर में जाकर तेल से अभिषेक किया एक महिला ने और इसलिए वहां तूफान आ गया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि महिला मंदिर में जाकर तेल से अभिषेक करे और तूफान आ जाए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, भोंडी बात है, निंदनीय बात है। किसी महिला के वहां जाने आने से कुछ नहीं होता है। जो पुजारी है वहां का, उस मंदिर का जो पुरुष भी होगा, वो किसी महिला के पेट से पैदा हुआ है।
तो वो अपनी माँ का अपमान करता है। यदि स्वामी अग्निवेश जी वो महिला के पेट से पैदा हुआ, अकेले नहीं हुआ, उसके अंदर पुरुष का योगदान भी था, फल खाने से संतान उत्पन्न नहीं होती, वो बिना पुरुष के संसर्ग के, इसलिए वो बात करना जिसका लॉजिक हो। जवाब देने दे, कारण से हो रही होंगी, जैसे केदारनाथ के बारे में कहा या और कहीं के बारे में कहा, इन सारी बातों से हमें बचना चाहिए, ऐसी अनर्गल बातें नहीं लानी चाहिए। हमें ईश्वर उपासना के सही तरीकों का प्रचार करना चाहिए, जो हर मनुष्य के, मानव मात्र के, जो अभी किरण बेदी जी कह रही थी, मानवता इंसानियत तब आएगी जब मानव मात्र को ये बताया जाएगा कि उसके हृदय में परमात्मा है। शनि पे तेल चढ़ाने से ही मानवता आएगी क्या? की जरूरत है बाकी के 20 लाख मंदिरों में जाने से मानवता नहीं आएगी? खाली चिकनापुर में और सबरीमला के मंदिर में आप जाके शनि के ऊपर चढ़ के तेल चढ़ाएंगे तो ही आपको मानवता आएगी, बाकी जगह आपको मानवता नहीं दिखाई देगी। जाहिर सी बात है कि 20 लाख मंदिर की जरूरत नहीं, गौतम जी ना 20 लाख मंदिर की जरूरत है, न 50 करोड़ और मस्जिद और गुरुद्वारे चर्चों की जरूरत है। सबको अपने हृदय को पवित्र बनाना, विचारों से, कर्म से अच्छा बनाना, ये उपासना है परमात्मा की। हमने गलत धंधा चला दिया है, ये मंदिर मस्जिद दुकानें हैं, यहाँ पर ठगी के धंधे होते हैं। मैं तो महिलाओं से कहूँगा, यदि वास्तव में तुम्हें एक मुक्ति की तरफ जाना है तो सारे पुरुष प्रधान धर्मों का बहिष्कार करो, क्योंकि यहाँ परमात्मा है। आप लोगों यहाँ सारी चीजों को सवाल आपके लिए है कि पिछले 20-25 सालों में देख रहे हैं हम कि नए नए जो ईश्वर है वो पैदा हो गए हैं, जैसे कि एक साईं बाबा अचानक 20-25 सालों में वो प्रमुख देवता के रूप में इमर्ज कर गए। उसी तरह से आप देखिए शनि, 20-25 साल पहले तक कोई पूजा नहीं होती थी, कहीं शायद ही कहीं कोई मंदिर होता था, वो उसकी पूजा जो है उसकी वो शुरुआत हो गई। तो बहुत सारे बाबा लोग आ गए, उनका अपना तंत्र, उनका अपना कल्ट जो है वो चल रहा है। तो आखिरकार ये जो चीजें जो हमें दिखाई दे रही हैं उसके पीछे क्या दिखता है आपको? आपने तो बहुत करीब से देखा होगा कि ये संस्थाएं कैसे चलती हैं, क्या है? मैं ये कहूंगी कि हर एक को अपना राइट है अपने विश्वास पर, हर एक को राइट है अपनी श्रद्धा पर। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि क्या पुरुष और महिला के राइट्स पर, मंदिर के जाने पर राइट में डिस्क्रिमिनेशन या अलग अलग होना चाहिए? मैं कहूंगी किसी चीज में भी नहीं होना चाहिए। सो मैं ये कह रही हूं, ना हम किसी की श्रद्धा पे जाएं, ना किसी के विश्वास पे जाएं। हर एक को राइट है अपना राइट टू फेथ, जिस तरीके से वो करना चाहता है, हम उस पर ना जजमेंट पास करें तो अच्छा है। मेरा फेथ है या नहीं है ये मेरा निजी मामला होना चाहिए, ना कि मेरे पर थोपा जाए, ये इम्पोज किया जाए। लेकिन जो मेरा मौलिक, मेरा फंडामेंटल राइट है कि ये मेरे घर, मेरे देश का मंदिर है, ये मेरे देश का मस्जिद है, इसमें मैं क्योंकि महिला हूं और मैं नहीं अलाउड है, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये डिसअलाउ करता है। और इसीलिए पॉलिटिकली डिसीजन होने के बदले हमको जुडिशरी राइट देती आई है। तो मैं ये कहूंगी ना हम श्रद्धा किसी पर जाएं, ना किसी के विश्वास पर जाएं, हम सिर्फ राइट टू टेम्पल, राइट टू एक्सेस टू द टेम्पल पर जाएं, और वो राइट मेरा मौलिक अधिकार है। इसलिए और वो मेरा राइट मेरा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, मैं महिला हूं या पुरुष हूं। तो इसलिए अगर हम जाएं तो इस पर कोई दो राय है ही नहीं। इसलिए जब भी हम इस चीज के लिए जुडिशरी में जाते हैं, हायर कोर्ट्स में, हायर कोर्ट यही रूल करती है कि महिलाओं का अधिकार है, आप उसको अलाउ जा सकते हैं। मैं आपको रोकूंगा, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं आपके पास दोबारा से। तृप्ति देसाई जो शनि सिग्नापुर मंदिर में जाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही थी, और इसके साथ साथ कल मुंबई हाईकोर्ट ने ये कहा भी था कि इनको प्रवेश करने दिया जाए, वो आज पहुंची और कुछ स्थानीय लोग मानव श्रृंखला बना करके उनको फिर से अंदर जाने से रोक दिया है, और तृप्ति देसाई जी को डिटेन कर लिया गया है। आचार्य अजय गौतम जी को लग रहा है कि ये अच्छा किया गया है। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये इस तरह की घटनाएं जो हैं वो हमारी किस मानसिकता को बताती हैं? आज हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उनको तृप्ति देसाई जी को किरण बेदी जी जो कह रही थी,
हेलो किरण वेदी जी जो कह रही थी वो कानून की बात बता रही थी, और स्वामी अग्निवेश जी ने जो कहा है उन्होंने ये कहा है कि जहां पुरुष प्रधान मंदिरों में उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। मैं थोड़ा तीसरी बात कहना चाहता हूं, स्वामी अग्निवेश जी जो कह रहे हैं मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन थोड़ा मैं ये कहना चाहता हूं बहिष्कार की जरूरत नहीं है, किसी का तिरस्कार मत करो, हमारा धर्म तिरस्कार नहीं सिखाता है, हमारा धर्म फैनेटिक नहीं है। हम चाहते हैं कि जो महिलाओं को ये कहा जाता है कि कुछ खास पीरियड में वो अपवित्र हो जाती हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई महिला अपवित्र कभी नहीं होती है और ना कभी हो सकती है। महिला अगर अपवित्र हो जाएगी तो पूरी सृष्टि अपवित्र हो जाएगी, इसलिए अपवित्र अवस्था कोई अवस्था नहीं है मेरी दृष्टि में, और महिलाओं को अपवित्र जो आप कह रहे हैं अपवित्र अवस्था उस समय में भी मंदिरों में प्रवेश से नहीं रोका जाना चाहिए, एक बात। दूसरा शैलेश जी मैं ये कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि जब मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पे रोक लगाने की तो बात छोड़ो, मंदिरों में मुसलमानों को जाना चाहिए, मस्जिदों में हिंदुओं को जाना चाहिए, और यह तब जाकर के दुनिया इंसानियत की तरफ जाएगी। ये जो फैनेटिज्म है इसको खत्म करना चाहिए, इन दीवारों को गिराना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात की उन्होंने। काफी देर से नसीर अब्दुल्ला साहब जी, आप बस एक बात आप एक बात आपसे कहनी थी। जब मैं आ रहा था यहाँ पे तो एक चीज मैं सोच करके आया था कि ये तो मैं कहूँगा ही कहूँगा, फिर मैं भूल गया और अपना ये कि बातों में लग गया। वो ये था कि जो महिला होती है वो एक्चुअली भगवान के समान होती है ज़्यादा बनिस्बत ये कि पुरुष के, बिकॉज वो एक्चुअली जन्म देती है इंसान को, सो शी इज़ मोर गॉड, गॉड इज़ द क्रिएटर एंड द महिला इज़ द क्रिएटर। उस हिसाब से उस बात को मद्देनज़र रखते हुए महिला को पहले अलाउ अपना करना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए इन द हाउस ऑफ गॉड, बिकॉज शी इज क्लोजर टू गॉड, बिकॉज शी एक्चुअली क्रिएट्स, हम नहीं करते। यानी आप मानते हैं कि मस्जिदों में या उसमें महिलाओं के जाने पर रोक नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा वैसा प्रॉब्लम हो, भीड़ का हो, छेड़खानी का हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं गड़बड़ वाले, जाहिर सी बात है कि उसके लिए कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि किसी को मतलब ये कि जाने से कोई प्रॉब्लम ना हो, बट दे शुड बी अलाउड, दे शुड बी अलाउड। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास अब बिल्कुल कम समय है जी, हमारे साथ मेहमान हैं और मैं करीब करीब 30-30 सेकंड में उनसे चाहूंगा कि अपनी राय दे दें। अजय गौतम जी, देखिए किरण बेदी जी ने, क्योंकि वो लॉ ग्रेजुएट हैं, उन्होंने कानून की बात करी और मैं भी कानून की ही बात करूंगा। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस बट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 26 वहां पर कहता है कि राइट टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर, मंदिर जो है मुझे उस मंदिरों को अपने हिसाब से चलाने की इजाजत आर्टिकल 26 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है कि मैं अपने रिलीजियस अफेयर को कैसे चलाऊं, उसमें मैं किसी की इन्फिल्ट्रेशन या किसी का भी जो बाहरी दखल है ना हमने 5000 साल पहले बर्दाश्त किया था, ना हम आने वाले 5000 साल आगे तक किसी का भी दखल उसमें बर्दाश्त करेंगे। मैं 30 सेकंड थे ना, फिर मुझे और कहना जी। नहीं, मैं आऊंगा अब आपके पास, अब इस सवाल की जगह आप जवाब देकर के आएंगे। अच्छा, से एक चर्चा हो जानी चाहिए। संसद के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तन आय, न्यायपालिका की बहुत चर्चा हुई, न्यायपालिका की टैग लाइन है ये तो धर्मस्ततो जया, और धर्म के भी टैग लाइन है धर्मो रक्षति रक्षता। वास्तविक आवश्यकता धर्म के मूल व्याख्या की है और संसार का कोई भी धर्म विभेद नहीं कर सकता, जो धर्म विभेद करता है वह धर्म के लायक नहीं है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि न्यायपालिका की अपनी सीमा है, न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन न्यायपालिका हमारी परंपराओं को यह नहीं तय कर सकती कि यज्ञ और हवन में मैं जौ पहले डालूं या चावल पहले डालूं, हमारी परंपरा का भी न्याय है। और धर्म को मैं न्याय से भी और राजनीति से भी ऊपर मानता हूं, धर्म का कार्य अनुशासन करना है, राजनीति का कार्य शासन करना है। धर्म अपने पद से नीचे गिर रहा है, धर्माचार्य इसके लिए दोषी हैं, इसलिए आज ऐसी स्थिति है। धन्यवाद। कृष्ण तारा जी,
सबसे पहले बात यह है कि जहाँ तक स्त्रियों की बात है, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत देश एक ऐसा है जहाँ पे माँ गंगा को माँ के नाम से पुकारते हैं, धरती को धरती माँ के नाम से पुकारते हैं, और जहाँ तक कानून की देवी भी जो है वो स्त्री है, और जहाँ लक्ष्मी जी और शक्ति की देवी माँ दुर्गा, और उसके बाद जो हमारी विद्या की देवी है माँ सरस्वती है, तो ये तीनों कल को पुरुष ये भी कहेंगे कि गंगा माँ को गंगा पिता कहो या गंगा भैया कहो, तो इसीलिए जो है ना इस तरीके की सोच भगवान शिव के मस्तक से आई है, आई है, गलत जो शुद्धता मानसिक जो दिमाग में चल रहा है उसको शुद्ध करने आई है, उसमें डुबकी लगाई है, सोच को बदली है, जाहिर सी बात है, शिव नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, पड़ जाते हैं यदि परंपरा को नहीं बदला गया, परंपरा पानी के जैसे, इसलिए परंपरा को बहने बदलना चाहिए, मेट्रो से डिब्बे हट जाने चाहिए ना, बहती हुई मेट्रो से डिब्बे हट जाने चाहिए। आचार्य जी एक बात तो है कि परंपरा जो है वो बहती हुई नदी है, वो तालाब नहीं है, और इसलिए नदी में जो पानी है उसको निकलते रहना चाहिए। नसीर साहब जी, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि बदलाव का वक्त आ भी गया है, और ऐसी कोई गंभीर ये कि समस्या नहीं है कि औरतें नहीं जा सकती, ये है वो है, कोई ऐसी बात नहीं है, रास्ता जो है निकाला जा सकता है। एक आपके ज़माने से परंपरा थी, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर उसमें बदलाव आ जाए किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। एक ज़माने में सती होती थी, औरत को मतलब ये कि वाइफ को अपने हस्बैंड की ये किस चिता पे लेटना पड़ता था, वो ख़त्म हो गई 200 साल पहले, वो अजीब गरीब चीज़ थी, लेकिन आजकल के ज़माने में कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, औरतों को भी हक बनता है और उनको ये हक जैसे भी हो सके आसानी से दे दिया जाए, कोई रास्ता निकाल लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, ये इसका रास्ता निकाला जाना चाहिए। मैं किरण जी आपकी राय जानना चाहूँगा कि कैसे हम इस पूरे जो एक तरह का संकट है ये, इससे बाहर निकल सकते हैं। ये बहुत शर्मनाक लगता है, मैं भी जब सुनता हूँ कि मैं मंदिर में जा सकता हूँ, मेरी बेटियाँ नहीं जा सकती, मेरी माँ नहीं जा सकती, उनको अधिकार नहीं है। ये संकट नहीं है, ये संकट नहीं है भाई साहब, ये सिर्फ सोच है, ये पुरानी मानसिक सोच है, और उसको समय लग रहा है बदलते, बहुत कुछ चीज बदल गया है। अगर इतनी देर कोई चीज नहीं क्वेश्चन हुई, उस पर प्रश्न नहीं हुआ, या कोई चीज गलत बर्दाश्त होती गई, इसका ये नहीं मतलब था कि वो सही थी। आज नया नवी पीढ़ी आ चुकी है, वो पूरी बराबरी में है, वो इक्वल पढ़ती है, काम करती है, समाज में खुला देखती है, और उसके लिए समाज उतना खुल गया है जितना कि पुरुष के लिए था। पहले औरत के लिए समाज रिस्ट्रिक्टेड था, अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एक वर्ग है जो पढ़ लिख गया है, खुल गया है, अब वो पूर्ण अधिकार मांगता है, वो पूर्ण अपॉर्चुनिटी मांगता है, अब आप उसको रोक नहीं सकते, बदलाव की घड़ी निकल चुकी, अब आपने ये एक्सेप्ट करना है कि चेंज इज द लॉ, चूज वाइजली, चेंज इज, देयर इज नाउ नो ऑप्शन, यू हैव टू एक्सेप्ट द लॉ, बिकॉज चेंज इज द लॉ, एंड चेंज हैज हैपेंड, एंड दैट इज व्हाट हैज टू बी रिस्पेक्टेड एंड गॉन बाय द लॉ, इसलिए कोर्ट इज गोइंग बाय द चेंज। आई थिंक पोलिटिकल विल की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आपको वापस बोल रही हूँ कि अब किधर फंसे, आई थिंक द गवर्नमेंट्स आर कॉट इन अ रॉक, एक तरफ पत्थर है और एक तरफ खाई है, किधर जाएं, पत्थर से सिर फोड़े या खाई में गिरे, ये है पोलिटिकल डायलेमा, ये सामाजिक नहीं है, क्योंकि समाज बदल गया, समाज आज मांग रहा है, लड़की आज इक्वल राइट्स मांग रही है, अब आप इक्वल राइट्स उनको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि पहले नहीं मांगा अब मांग रही है, तो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो बर्दाश्त करती है, आधार नहीं हो सकता। बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण बात की किरण जी, कानून है वो उनकी तरफ जी। स्वामी अग्निवेश जी, एक टिप्पणी अब आपसे चाहूंगा मैं, कि आखिरकार जो नई पीढ़ी है, जो आज लड़कियां हैं वो पढ़ लिख रही हैं, वो हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, और जाहिर सी बात है कि अब वो अपना अधिकार मांगेंगी, जैसे जो बैकवर्ड्स हैं हमारे देश में, उन्होंने लगभग छीन के ले लिया, अपने वोट से सांसद ज़्यादा बनाए, अपने वोट से विधायक ज़्यादा बनाए और छीन कर ले लिया। महिलाओं के मामले में अभी वो चल रहा है कि उनको भी मिल जाए, लेकिन ये जो धार्मिक अधिकार हैं, छोटे छोटे अधिकार हैं, इनके लिए कैसे आसानी से रास्ता निकाला जा सकता है? शैलेश जी, हम जब धार्मिक अधिकारों की बात कहते हैं तो ये धर्म सुधारकों ने युगों युगों से एक बड़ी बुनियादी बात कही है, और आप देखेंगे 3,500 साल पहले दुनिया में कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई चर्च नहीं था, मानवता थी,
लोग ईश्वर की उपासना करते थे, और इसलिए आप भगवान बुद्ध की वाणी सुनेंगे तो वहाँ मूर्ति पूजा का निषेध है। महावीर जैन साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, गुरु नानक देव जी ने किया, कबीर ने किया, महर्षि दयानंद ने किया, और सब लोग एक स्वर से, लेकिन आचार्य जी, जिस बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया उसी बुद्ध की मूर्तियां लगाकर उसकी पूजा की जा रही है जगह जगह। जिस कबीर ने मठों का विरोध किया वो बनारस में वहीं पर सबसे विशाल मठ बना हुआ है कबीर पंथियों की पूजा होने लगी। जब से बुद्ध की मूर्ति की पूजा होनी शुरू हुई तब से एक गलत तरीके का एक धर्म पैदा हो, बौद्ध धर्म नहीं था, बुद्ध विचार था, एक आंदोलन, एक क्रांति थी, आध्यात्मिक क्रांति। आज हमने उसको एक मंदिर के साथ, एक बुद्ध विहार के साथ, एक उसकी मूर्ति के साथ जोड़ करके व्यापार बना दिया। तो इस प्रकार की मूर्ति बना करके, मंदिर बना करके या और कुछ मकबरा बना करके हम जो पूजा पाठ करते हैं ये विकृत रूप है। सभी दुनिया के धर्म सुधारकों ने एक स्वर से कहा परमात्मा की उपासना अपने हृदय मंदिर में करो, परमात्मा की उपासना अपने हृदय मंदिर में करो। हमारे पास समय की कमी है स्वामी जी, इसलिए मैं यहां रोकता हूं आपको। एक बार फिर से हम युवा जनता की तरफ चलते हैं, आप अपनी आवाज ऊंची करके और हाथ उठाकर बताइए कि मंदिरों, मस्जिदों या जो भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर महिलाओं का प्रवेश खत्म किया जाना चाहिए या नहीं। जो लोग चाहते हैं कि इस पर रोक जो है वो खत्म किया जाना चाहिए वो हाथ उठाएं और जोर से बोलें हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लगभग सब, अच्छा ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये जो परंपरा 500-400 से साल से चली आ रही है तो ये रोक है तो रहने दिया जाए। नहीं सर, कोई भी नहीं। नो सर, जाहिर सी बात है कि हमारे देश की युवा जनता क्या चाहती है हमारे सामने है, हमारे धर्मगुरु, हमारे राजनेता, हमारे प्रशासक, चाहे जो भी चाहे, लेकिन युवा जनता चाहती है बराबरी, स्त्री और पुरुष की बराबरी, शायद और भी जो जातियों की बराबरी, हर तरह की बराबरी, आर्थिक बराबरी भी चाहते हैं वो। और ये जो नई पीढ़ी आगाज कर रही है, या तो धर्मगुरु से लेकर राजनेता तक उन्हें चुपचाप सौंप दें, और नहीं तो एक और क्रांति के लिए, विद्रोह के लिए, बदलाव के लिए तैयार हो जाए। महापंचायत को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आचार्य अजय गौतम जी, स्वामी मार्तंडपुरी जी, कृष्णा तारा जी और नसीर अब्दुल्ला साहब, स्वामी अग्निवेश जी और किरण वेदी जी, आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और युवा साथियों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।